हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू UPCISS टैलीप्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 43 है और हम पिछले वीडियो में दिसंबर मंथ की एंट्री कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर आप डे बुक में देख सकते हैं दिसंबर मंथ को हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं जनवरी मंथ से, और जनवरी में हमें यहाँ पर कई अलग तरह की नई एंट्री हमें देखने को मिलेंगी, जहाँ पर हम सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री देखेंगे और यहाँ पर हम डिस्काउंट वगैरह भी जो है हम इशू करेंगे, ठीक है। तो इसमें अलग टाइप की एंट्री है, थोड़ा सा न्यू है, तो यहाँ पर चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पीटी कैशियर सबमिटेड द एक्सपेंसेज स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, यानी दिसंबर महीने के जो खर्चे हैं वो यहाँ पर हम जनवरी में करेंगे, यानी उसकी एंट्री करनी है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है सैलरी दी गई है, और तीसरे क्वेश्चन में रेंट दिया गया है। तो ये तीन क्वेश्चन हर महीने आ रहे हैं, आपको ये अच्छे से पता चल गए होंगे, ठीक है। तीनों एंट्रियाँ यहाँ पर पेमेंट वाउचर पर होंगी, चलिए यहाँ पर इनको फटाफट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं ट्रांजेक्शन में, वाउचर्स में, और डेट यहाँ पर हम चेंज करेंगे। डेट यहाँ पर हमारी होगी 1-1, ठीक है, यानी कि 1 जनवरी। और यहाँ पर वाउचर पेमेंट और डेबिट में यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंसेस, सबसे पहले इसका अमाउंट कितना देख लेते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस 700 रुपए है, और यहाँ पर अगला एक्सपेंसेज है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1300 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज 1300 रुपये। एंटर से थर्ड टाइम फिर से डेबिट, और अब की बार गया है यहाँ पर कन्वेंस एक्सपेंसेज 550 और ऑफिस एक्सपेंसेज 900 है, ठीक है। तो कन्वेंस एक्सपेंसेज ये आपका है 550, और यहाँ पर आपका लास्ट में बचता है ऑफिस एक्सपेंसेज जो कि है 900 रुपये, ठीक है। एंटर करेंगे लास्ट में क्रेडिट में पिटी कैश, और इसको फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हाँ सारी चीज़ें ओके हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 13,500 रुपये सैलरी पे की गई है, जो कि कैश एंड नगद पे की गई है, और यहाँ पर हमें कॉस्ट सेंटर को भी मेंटेन करना है। तो डेबिट में आपका सैलरी एक्सपेंसेस 13,500 रुपये। एंटर करेंगे ममता शर्मा को यहाँ पर कितनी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपकी बार हमने नहीं बताया है, तो यहाँ पर आपको पता है कि हमें दिसंबर से पता चल जाएगा, दिसंबर में हमने मेंशन कर दिया था, तो वहीं से आप देख करके सैलरी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं किसको कितनी दी गई। हाँ, ममता शर्मा को यहाँ पर 5,000 रुपये दी गई है, ठीक है, ममता शर्मा को 5,000 रुपये दी गई, और राजेश को दी गई है 3,000 रुपये, आई थिंक अभी कन्फर्म कर लेंगे, हाँ 3,000 रुपये दी गई, ठीक है। मनोज राठौर 3,000, और महेंद्र सिंह 2,500, ठीक है, मनोज राठौर 3,000 रुपये, और महेंद्र सिंह 2,500 रुपये, ठीक है, महेंद्र सिंह 2,500 रुपये। और एंटर करेंगे क्रेडिट में, यहाँ पर कैश होगा, और इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंट्री हो गई, और ये हम दिसंबर मंथ में हैं, यहाँ पर हम सिर्फ अमाउंट देखने के लिए आए थे। अब वापस चलते हैं जनवरी में, और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर जनवरी मंथ की तीसरी एंट्री है, जहाँ पर रेंट दिया गया है, तो इसकी यहाँ पर एंट्री करते हैं। डेबिट में आपका रेंट एक्सपेंसेज कितना, 5,000 रुपये, और यहाँ पर रेंट ऑफिस का कितना दिया, 3,000 रुपये, ऑफिस का कितना है 3,000, और गोडाउन का कितना है 2,000 रुपये। और क्रेडिट में यहाँ पर HDFC बैंक, और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है, मिस्टर गुप्ता सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू श्याम ट्रेडिंग कंपनी, यानी श्याम ट्रेडिंग कंपनी को यहाँ पर सेल किया गया है, और इसमें हमें कुछ भी नहीं क्रिएट करना, क्योंकि श्याम ट्रेडिंग कंपनी को हम पहले ही माल को सेल कर चुके हैं, ये हमारे पुराने कस्टमर हैं, ठीक है, तो इनका भी लेजर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे GST नंबर वगैरह, तो GST नंबर की हमें जरूरत तब पड़ती है जब हम कस्टमर का लेजर बनाते हैं, लेकिन ये तो पहले से बना है, तो यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि CGST SGST लगेगा या फिर IGST लगेगा, तो यहाँ पर श्याम ट्रेडिंग का लेजर पहले से बन चुका है, तो इनकी एंट्री हम करेंगे तो वहां पर हमें पता चल जाएगा कि ये किस स्टेट के हैं, क्लियर है। तो फिलहाल यहां पर चलते हैं, यहां पर हम लगाते हैं वाउचर, हमारा होगा सेल्स F8, पार्टी नेम में यहां पर होंगे श्याम ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। एंटर करेंगे, और यहां पर इनका जो डिस्पैच डिटेल होती है इसके बारे में हम बात करेंगे किसी सेपरेट वीडियो में, अभी फिलहाल इसको यहां पर हम कंट्रोल करते हैं। और पार्टी डिटेल में यहां पर आप देख सकते हैं कि यह श्याम ट्रेडिंग कंपनी जो है ये उत्तर प्रदेश के ही है, ठीक है, तो यहां पर हम इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करते हैं। सेल्स लेजर में आपका सेल्स होगा, और टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में यहाँ पर आपका होगा सेल्स टैक्सेबल, ठीक है, सेल्स टैक्सेबल। एंटर करते हैं, यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, कौन कौन से आइटम सेल किए गए हैं। तो यहाँ पर आटा चक्की है 5,6,800 रुपये, आटा चक्की 5, यहाँ पर सबसे पहले गोडाउन सेट करेंगे, और ये हो गया, और कितने की है यहाँ पर रेट देख लेते हैं एक सेकेंड, हाँ 6,800 रुपये, ठीक है। एंटर करते हैं, और फिर से यहाँ पर अगला आइटम यहाँ पर देखते हैं क्या है। अगला आइटम आपका LED लाइट्स 10,225 LED लाइट, और इसी तरह से यहाँ पर लास्ट आइटम आपका होगा इलेक्ट्रिक कैटल 10,1700 की, ठीक है। और यहाँ पर फाइनली यहाँ पर हम लास्ट में लगाएंगे CGST, और फिर उसके बाद यहाँ पर एंटर और SGST, और यहाँ पर इसकी टोटलिंग चेक कर लेते हैं, 2,24,700 रुपये, 2,24,700 रुपये, ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर उस एंट्री को हम एक्सेप्ट करते हैं पहले, तो यहाँ पर इसको हम करते हैं कंट्रोल ए, और ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू डिजी वर्ल्ड गोला, ठीक है, ये गोला के हैं, और गोला जो है ये सेम स्टेट है, मतलब उत्तर प्रदेश में ही यहाँ पर है गोला, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में आता है, और ये अनरजिस्टर्ड डीलर है ऑन क्रेडिट, यानी कि आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, हमने जो है डिजी वर्ल्ड को माल को बेचा है, उधार बेचा है, और ये अनरजिस्टर्ड डीलर है सेम
स्टेट के, ठीक है। तो डीलर जो है ये अनरजिस्टर्ड है, तो उनका जीएसटी नंबर वगैरह कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जीएसटी लगेगी, ठीक है। क्यों लगेगी? क्योंकि हम कौन है? रेगुलर डीलर। तो रेगुलर डीलर जब अनरजिस्टर्ड डीलर को माल सेल करता है, तो रेगुलर डीलर जो होता है वो किसी को भी सेल करे, ध्यान देना, रेगुलर हम कौन है? रेगुलर है। तो हम किसी को भी माल अगर सेल करते हैं तो जीएसटी लगनी लगनी है, ठीक है। जब हम परचेज करेंगे, हम रेगुलर डीलर हैं, और अगर हम किसी दूसरे से परचेज करेंगे तब हम देखेंगे कि वो रेगुलर है या फिर अनरजिस्टर्ड है, तो उस हिसाब से हमें देख करके जीएसटी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम रेगुलर हैं तो जब हम माल को सेल करेंगे तो सेल करते समय हमें नहीं देखना, सभी पे जीएसटी लगानी लगानी, ठीक है। तो रेगुलर हैं तो सेल करते समय हम जीएसटी लगाएंगे, क्लियर है। चलिए तो यहां पर इस एंट्री को करते हैं। जीएसटी तो आपकी लगेगी और इसमें सी जीएसटी और एस जीएसटी लगेगा, ठीक है। सारी चीजें वही है, लेकिन यहां पर एक चीज नहीं है, वो क्या है? इसमें डिस्काउंट जो है वो दिया गया है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें सभी आइटम पर 10, 10, 10, 10 इस तरह से सभी आइटम पर डिस्काउंट दिया गया है। तो यहां पर आप चाहे तो इसमें परसेंटेज कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फिलहाल तो यहां पर सभी पर जो है वो 10% का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? एक कॉलम और बढ़ाना है डिस्काउंट का, ठीक है। तो ये कैसे बढ़ेगा और इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर वाउचर जो है वो आपका सेल्सी होगा, और डिजी वर्ड का यहां पर लेजर बनेगा, क्योंकि ये इनको जो है हम पहली बार माल को सेल कर रहे हैं अंडर संडी डेबिटर के, ठीक है। तो यहां पर हम चलते हैं, वाउचर यहां पर आपका सेल्स रहेगा, पार्टी नेम में यहां पर हम लेजर बनाते हैं डिजी वर्ल्ड का, अंडर जाएंगे संडी डेबिटर के, क्योंकि इन्हें हम माल उधार बेच रहे हैं, और मेंटेनेंस बिल बाय डिटेल यस रहेगा। यहां पर इनका सेट करेंगे अनरजिस्टर्ड, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना है हमें क्या सेट करना है, अनरजिस्टर्ड। तो यहां पर हमें जीएसटी नंबर डालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एंटर करेंगे, यहां पर इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको भी कंट्रोल ए करेंगे, और यहां पर आई थिंक स्टेट, हाँ उत्तर प्रदेश ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर भी उत्तर प्रदेश ही सेट है, ठीक है। तो यहां पर स्टेट इनकी उत्तर प्रदेश रहेगी, सेल्स रहेगा, और यहां पर टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में हमारा रहेगा सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि जो हम माल सेल कर रहे हैं वो टैक्सेबल है और एक ही स्टेट में, इसलिए सेल्स टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। अब यहां पर हमारा रहेगा नेम ऑफ आइटम, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि इसमें एक डिस्काउंट का जो कॉलम है हमें ऐड करना है, ठीक है। तो यहां पर हम डिस्काउंट का कॉलम इसमें ऐड करते हैं, तो उसके लिए यहीं पर आपको प्रेस करना है F11 की, ठीक है। प्रेस करना है F11, और यहां पर आपको आ जाना है फीचर्स में, ठीक है। F11 फीचर्स में आने के बाद यहां पर आपको मिल जाएगा इन्वेंट्री में, देखिए यहां पर ऑप्शन मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ठीक है। तो यहां पर इस ऑप्शन को हमें यस करना है, आप देख लें। सबसे पहले यहां पर हमें F11 प्रेस करना है, और वो भी सेल्स वाउचर एंट्री करने के दौरान, ठीक है। और यहीं पर आपको ये वाला ऑप्शन जो है यस कर लेना है, क्लियर है। तो यहां पर इसको हम यस करते हैं, और आपका जो डिस्काउंट का एक कॉलम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसको हम कंट्रोल ए कर लेते हैं, और आप देखेंगे कि इसमें डिस्काउंट का एक कॉलम यहां पर ऐड हो चुका है। अब यहां पर हम नेम ऑफ आइटम, हमारा आइटम क्या है, यहां पर हमने सीसीटीवी सेल किए हैं 15, और यहां पर रेट है 3500 रुपए, और इनमें जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो सभी में 10% रखा है हमने, और बाकी यहां पर हो कुछ भी सकता है, ठीक है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि एक बिल में 10% सभी में डिस्काउंट होगा, आप किसी आइटम पर 10 या किसी आइटम पर 5% का भी दे सकते हैं, ठीक है। यहां पर थोड़ा इजी हो जाए इसलिए यहां पर सभी में हमने 10% कर दिया है। तो सीसीटीवी यहां पर 15 है, और एक का रेट है 3500 रुपए, तो यहां पर हम इसको करते हैं सीसीटीवी, और यहां पर हमने कितने सेल किए, सबसे पहले गोडाउन निर्मल नगर, और क्वांटिटी यहां पर 15 है, और रेट कितना है यहां पर देख लेते हैं एक बार, रेट इसका है 3500 रुपए, ठीक है। तो यहां पर इसको हम 3500 रुपए में सेल करेंगे, और इसका जो डिस्काउंट है वो 10% का हो जाएगा, और एंटर करेंगे। यहां पर हमें परसेंटेज में डालना है, 10 डाल दिया था, एंटर करेंगे, और ये आपका परसेंटेज जो 10% डिस्काउंट है वो निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर इन्वर्टर, तो यहां पर हम इन्वर्टर सेट करेंगे, और इन्वर्टर यहां पर गोडाउन निर्मल नगर रहेगा। क्वांटिटी रेट देख लेते हैं कितना इसका, 15 6000, ठीक है। तो यहां पर 15 6000 रुपए, ठीक है, एंटर करेंगे। डिस्काउंट यहां पर भी 10% है, और इसको भी हम जो है एक्सेप्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद यूपीएस 15 7500 रुपए, यूपीएस है आपका, और गोडाउन निर्मल नगर 15 7500, डिस्काउंट 10%, एंटर, और एंटर, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हाँ ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला आइटम है आपका बैटरी 8 11000 रुपए की बैटरी, और कितनी है, 8 है, 11000 रुपए की है, और डिस्काउंट यहाँ पर 10%, और एंटर, और एंटर। लास्ट आइटम यहाँ पर आपका बचता है सीलिंग फैन 20 है, 1300 रुपए के सीलिंग फैन, गोडाउन निर्मल नगर 20 1300 रुपए, और एंटर, डिस्काउंट 10%, और एंटर, एंटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लेते हैं 2 या 3 आइटम पर ही हमें डिस्काउंट करना होता, और बाकी आइटम पे मान लेते हैं डिस्काउंट 0 रखना होता, तो यहाँ पर आप 10 की जगह 0% या 5% या फिर और भी जो चीज़ें हैं वो आप सेट कर सकते थे, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल यहाँ पर हम इसको एंटर करते हैं, और लास्ट में यहाँ पर हमारा लगेगा CGST, और फिर उसके बाद यहाँ पर SGST, ठीक है। तो ये आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। टोटल यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 5,92,218 रुपये, 5,92,218 रुपये, ठीक है। सारी चीज़
सही है, इस एंट्री को यहाँ पर हम कंट्रोल ए करते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है, मिस्टर गुप्ता सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू सतीश इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सतीश इलेक्ट्रॉनिक को यहाँ पर माल को सेल किया गया है, तो ये भी हमारे जो है पुराने कस्टमर हैं, इनको हम पहले सेल कर चुके हैं, तो यहाँ पर लेजर वगैरह कुछ नहीं बनाना है। और इसमें देखिए यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो नहीं है, ठीक है, डिस्काउंट नहीं है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल पुरानी तरीके से एंट्री होगी सेल्स वाउचर पे। पार्टी नेम में यहाँ पर कौन हो जाएंगे, सतीश इलेक्ट्रॉनिक्स और एंटर करेंगे यहाँ पर कंट्रोल ए, और फिर इसको यहाँ पर ये हरियाणा के हैं ध्यान रखना, तो IGST लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स होगा और यहाँ पर आपका होगा इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, ध्यान देना इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। ठीक है, इन चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, लेकिन इसमें डिस्काउंट जो है वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहीं पर F11 की फिर से प्रेस करेंगे और जहाँ से ऑप्शन हमने ऑन किया था वहाँ से इसको वापस से फिर से ऑफ कर देंगे, यानी कि नो कर देंगे। ठीक है, तो यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको हम नो कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ से आपका जो डिस्काउंट वाला कॉलम है वो हट जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जो पीछे हम एंट्री कर चुके उसमें तो डिस्काउंट कॉलम था, तो अगर कभी उसको हम एडिट करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, जब आप उसको एडिट करेंगे तो वहां पर आपको डिस्काउंट का कॉलम मिलेगा, लेकिन बाकी आगे आने वाली एंट्री में आपको जो है डिस्काउंट का कॉलम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर नेम ऑफ आइटम, इसमें क्या है, सोलर वाटर हीटर 15 बेचे हैं, एक 17,500 का है, तो यहां पर सोलर वाटर हीटर और गोडाउन निर्मल नगर और 17,500 रुपए जो कि पहले से आ रहा था। ठीक है, सारी चीजें सही है, एंटर करेंगे यहां पर। और सोलर वाटर हीटर के बाद यहां पर वॉशिंग मशीन 10 बेची है, वॉशिंग मशीन हमने यहां पर गोडाउन सेलेक्ट करना, निर्मल नगर, क्वांटिटी यहां पर 10 है, और जैसे एंटर करेंगे रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि इतने ही रेट पर हम पहले भी वॉशिंग मशीन को सेल कर चुके हैं। तो अगर हमें सेम रेट यही रखना है तो ठीक है, एंटर कर देंगे, हमें अमाउंट मतलब रेट याद करने की जरूरत नहीं, बाकी आप चाहें तो घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक आयरन, यहां पर हमने 15 बेची है इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन और गोडाउन निर्मल नगर, और कितनी बेची है, 15, रेट ऑटोमेटिक आ गया 800 रुपए, और इतने में ही हमने यहां पर भी सेल किया है। ठीक है, तो हमें देखने की जरूरत नहीं फिलहाल, आप लोग जो है ध्यान देना क्या अमाउंट आ रहा है और यहां पर क्या है, गलत नहीं करना। ठीक है, फिर रेफ्रिजरेटर यहां पर हमने 10 बेचे हैं, 15,000 का है। आई थिंक यहाँ पर प्रिंटर को हम पहली बार सेल कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर इसका जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक नहीं आया था। ठीक है, एंटर करेंगे, लास्ट में यहाँ पर आपका लगेगा IGST, ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर हम इंटर स्टेट सेलेक्ट किया हमने ना, तो IGST रहेगा और जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। यहाँ पर इसका फाइनल अमाउंट है 6,48,725 रुपये, सारी चीज़ें सही हैं। वापस आते हैं और इस एंट्री को यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को नो रखेंगे, एंटर, और यहाँ पर न्यू रेफर ट्रांजेक्शन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर एंटर, और फाइनली इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिना के एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन है, जहां पर हमने फिर से माल को सेल किया है, और अब की बार जो है हमने पावर पार्कर को सेल किया है, जो कि हमारे नए कस्टमर हैं, इनका लेजर बनेगा, तो यहां पर हम इसका लेजर बनाते हैं। वाउचर यहाँ पर आपका सेल्स रहेगा, और ये जो पावर पार्कर हैं ये रेगुलर हैं क्योंकि यहाँ पर इनका GST नंबर दिया गया है। ठीक है, और ये लखीमपुर के ही है, यानी कि CGST और SGST की एंट्री है, लेकिन हमने सेल किया तो वाउचर सेल्स रहेगा, पार्टी नेम में लेजर बनेगा, पावर पार्कर अंडर सैंडी डेबिटर के ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इनको हम उधार बेच रहे हैं, और ये रेगुलर रहेगा, GST नंबर इनका यहाँ पर सेट करते हैं, और इनकी जो स्टेट है वो UP ही रहेगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको बारीकी से ध्यान रखना है। एंटर करेंगे यहाँ पर और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए। ठीक है, सेल्स लेजर में आपका सेल्स रहेगा और यहाँ पर रहेगा सेल्स टैक्सेबल क्योंकि हम अपनी ही स्टेट में माल को सेल कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, कौन कौन से माल हमने बेचे हैं, LPG स्टोव यहाँ पर हमने 15 बेचे हैं, ठीक है, 1800 है रेट, तो LPG स्टोव, गोडाउन यहाँ पर निर्मल नगर, और बेचे कितने हैं, 1500 रुपये, रेट 1800 है। ठीक है, एंटर करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा आइटम यहाँ पर इन्वर्टर है, 5 बेचे हैं इन्वर्टर, गोडाउन यहाँ पर निर्मल नगर, और बेचे कितने हैं, 5-6 हज़ार रुपये के। ठीक है, सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला आइटम इन्वर्टर के बाद AC, ठीक है, तो यहाँ पर AC, और यहाँ पर आप देखेंगे AC हमारे स्टॉक में 3 अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने कितना बेचा कितना है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर AC जो है वो हमने 3 ही बेची है, यानी कि हम पूरा अपना स्टॉक जो है वो बेच रहे हैं, पूरा जीरो हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो AC 3 है, एक का रेट है 32,000 रुपये, तो यहाँ पर क्वांटिटी 3 और ये आपका है 32,000 रुपये, तो इसको हम सही करते हैं, 32,000। ठीक है, एंटर करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर लास्ट आइटम आपका है माइक्रोवेव, यहाँ पर हमने 5 बेचे हैं माइक्रोवेव, गोडाउन यहाँ पर निर्मल नगर होगा, क्वांटिटी यहाँ पर 5 और रेट 9,500, सही है, एंटर करेंगे। और लास्ट में यहाँ पर आपका लगेगा CGST और SGST। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं CGST और फिर उसके बाद SGST। ठीक है, तो यहाँ पर इसका टोटल चेक कर लेते हैं, इसका टोटल आ रहा है 2,50,940 रुपये और यहाँ पर आ रहा है 2,47,990 रुपये, यानी कि गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देख लेते हैं। तो यहाँ पर LPG स्टोव 15,1800 रुपये, LPG स्टोव 15,1800 सही है, इन्वर्टर 5-6 हज़ार, इन्वर्टर 5, यहाँ पर देखिए 5,500 है। ठीक है, इन्वर्टर का रेट यहाँ पर कितना है, 5,500 रुपये है, तो इन सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसको हम सही करते हैं, इन्वर्टर आपका होगा 5,500 रुपये, एंटर करेंगे। और अब देखते हैं यहाँ पर, तो अभी आ रहा है इसका टोटल 2,47,990 और 2,47,990, यानी
यानी कि पूरा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पार्कर पावर रिटर्न यानी कि सेल्स रिटर्न हुआ है फॉलोइंग गुड्स। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, दो गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, पार्कर पावर को यहाँ पर जस्ट अभी हमने सेल किया था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 में। ठीक है, हमने क्या किया था, पार्कर पावर को सेल किया था, कुछ गुड्स यहाँ पर हमने सेल किए थे और इसमें से हो सकता है कि कुछ गुड्स में खराबी हो, तो इन्होंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। पता कैसे चलेगा कि सेल्स रिटर्न है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमने पार्कर पावर को हमने सेल किया था और ये अगर हमको वापस करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न कहलाएगा। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अगर होगा तो यहाँ पर इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। सेल्स रिटर्न की एंट्री जो है वो हम पास करते हैं क्रेडिट नोट वाउचर पर। ठीक है, कहाँ पर पास करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर पर। ठीक है, हमें लगाना है क्रेडिट नोट वाउचर और वहाँ पर सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करनी है। कैसे करते हैं, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर लेजर वगैरह हमें कुछ नहीं करना बनाना है, सिर्फ यहाँ पर हमारा वाउचर चेंज होगा क्रेडिट नोट। ठीक है, तो वाउचर यहाँ पर हम कैसे सेट करेंगे क्रेडिट नोट, तो यहाँ पर आपको जाना है अदर वाउचर्स में। कहाँ जाना है आपको, अदर वाउचर में, शॉर्टकट की है F10। ठीक है, यहाँ पर अदर वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा क्रेडिट नोट वाउचर। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं इसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ में F6। ठीक है, आप सीधे अल्ट F6 भी प्रेस कर सकते थे। तो यहाँ पर ये आपका वाउचर है क्रेडिट नोट, इसे यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना, अदर वाउचर में गए, क्रेडिट नोट यहाँ से हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर हमें पार्टी नेम में दिखाना है, क्रेडिट नोट वाउचर में पार्टी नेम में कौन होंगे, पार्कर पावर ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्टी नेम में पार्कर पावर कर देंगे, पार्कर पावर। क्लियर है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पर हमने पार्कर पावर को माल सेल किया था, ठीक है, ध्यान देना, हमने क्या किया था, पार्कर पावर को माल सेल किया था, तो वहाँ पर हमने एंट्री पास कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर जब वो वापस कर रहे हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो एंट्री थी उसमें जाकर के एडिट करके कुछ आइटम जो कम हुए हैं उनको वहाँ से हम कम कर दें, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, सेल्स एंट्री जो पुरानी हम कर चुके हैं, इनवॉइस वगैरह रेडी हो चुका है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हमें मिलता है क्रेडिट नोट वाउचर जहाँ पर हम सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं। ठीक है, और जो परचेज रिटर्न होता है उसकी एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर पर करते हैं। तो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इसीलिए यूज किए जाते हैं, और भी कुछ एंट्रियाँ हैं जहाँ पर यूज किए जाते हैं, उनके बारे में हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर पार्टी नेम में पावर पार्कर होंगे यानी पार्कर पावर होंगे। लेजर में यहाँ पर आपका होगा, लेजर अकाउंट में आपका सेल्स ही होगा। ठीक है, लेजर अकाउंट में सेल्स होगा। टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल, यहाँ पर आपका सेल्स टैक्सेबल होगा। क्या होगा, सेल्स टैक्सेबल। ठीक है, ध्यान देना। और अगर मान लेते हैं कोई ऐसी एंट्री है जहाँ पर IGST लगा था और वो वापस हो रहा है, तो वहाँ पर इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल होगा। और नेम ऑफ आइटम यहाँ पर क्या होगा, अब आप सोच रहे होंगे सेल्स टैक्सेबल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम वापस ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल वो सेल्स टैक्सेबल ही रहेगा, ये सब पूरा अपोजिट हो जाता है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर अगर सेल्स वाउचर होता तो सेल्स वाउचर में जो पार्टी नेम में होता है वो क्या होता है, सेल्स वाउचर में पार्टी नेम वाला डेबिट होता है। ठीक है, और जो सेल्स लेजर होता है ये क्रेडिट होता है, लेकिन क्रेडिट नोट वाउचर पर यही सेम चीज जो आपका पार्टी नेम में है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जो सेल्स है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी कि उसी का ऑपोजिट ही हो रहा है, सेल्स वाउचर का ऑपोजिट ही हो रहा है, लेकिन हम वाउचर क्रेडिट नोट यूज करेंगे ताकि एंट्री जो है वो सेपरेट रहे, हमें पता भी चले कि हाँ किससे कितना माल वापस हुआ है, वो हमें क्रेडिट नोट वाउचर पर अलग से देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में कौन कौन से यहाँ पर गुड सेल किए गए, मतलब वापस किए गए हैं, तो LPG स्टोव यहाँ पर इन्होंने दो वापस किए हैं, तो यहाँ पर LPG स्टोव हो जाएगा। गोडाउन यहाँ पर निर्मल नगर रहेगा, जो वापस आएगा माल उसको हम गोडाउन जो है निर्मल नगर में रखेंगे। 2 1800 रेट था, ठीक है, एंटर करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरा आपका था इन्वर्टर एक, ठीक है, इन्वर्टर एक वापस किया है। अब वापस करने का रीजन कोई भी हो सकता है, ये आप खुद से पता कर सकते हैं, हो सकता है खराब हो गया हो या कोई और दिक्कत हो, तो यहाँ पर इसको हम जो है रिटर्न कर लेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर लास्ट में आपको इसमें CGST और SGST भी लगाना है, ठीक है, CGST और फिर उसके बाद आपका रहेगा SGST। क्लियर है, ये आपका इसका टोटल अमाउंट आ रहा है 10,738 रुपये। चेक कर लेते हैं 10,738, ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं, ओके हैं, और फाइनली इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो है रिटर्न भी हो गया, तो यहाँ पर इसको हम नो करेंगे, इस ऑप्शन को नो, और उसके बाद यहाँ पर इसको हम एडजस्ट कर देंगे इसके साथ में। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे और इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री पास हो गई, सिंपल था, यहाँ पर बस हमें क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर सोल्ड किया गया है, यहाँ पर फिर से एक सेल्स की एंट्री है, पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हमारे नए कस्टमर हैं, ये न्यू दिल्ली के हैं और इनका GST नंबर दिया गया है। ठीक है, और इसमें एक नई चीज़ है, वो क्या है, इसमें पैकिंग चार्ज जो है वो 2,000 रुपये इसमें अलग से लगा है, यानी कि जो ये हम गुड्स यहाँ पर सेल कर रहे हैं इनको हमने पैकिंग मतलब भी की है और पैकिंग चार्ज हमने अलग से 2,000 रुपये लिया है। और इसमें आपको पता है कि इसमें IGST लगने वाला है, क्या लगेगा, IGST, क्योंकि ये न्यू दिल्ली के हैं और इनका लेजर भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो लेजर बनेंगे, एक पैकिंग चार्ज का बनेगा और एक पूजा इलेक्ट्रॉनिक का बनेगा। ठीक है, पूजा इलेक्ट्रॉनिक का लेजर बनेगा तो आपको पता है ये अंडर किसके जाएगा, ये जाएगा सन्ड्री डेबिटर के, क्योंकि यहाँ पर इनको हम उधार माल बेचेंगे तो ये सन्ड्री डेबिटर होंगे। क्लियर है, पैकिंग चार्ज का यहाँ पर लेजर बनेगा तो ये अंडर किसके जाएगा, तो देखिए पैकिंग चार्ज यहाँ पर हमारी ये इनकम हो रही है, ध्यान देना इस बात पर। अगर ये गुड्स हम सेल कर रहे होते और सेल करते समय अगर पैकिंग चार्ज हमें मिलता
मिलता है तो वो अलग से मिलता है, ठीक है। तो पैकिंग चार्ज भी हमारी एक तरीके की इनकम ही होगी, क्योंकि पैकिंग चार्ज में जो पैकिंग मटेरियल होगा, ध्यान देना, जो पैकिंग मटेरियल होगा वो क्या होगा हमारा, उसको भी तो हम सेल कर रहे हैं साथ साथ में, उसका भी तो अलग से अमाउंट ले रहे हैं, तो ये भी हमारी एक तरीके की इनकम मानी जाएगी, ध्यान देना, ठीक है। जो यहाँ पर हम सेल करते हैं ये भी हमारी इनकम ही होती है, ठीक है। जितना भी हम यहाँ पर माल सेल कर रहे हैं 1,71,988 रुपये का, ये पूरी की पूरी इनकम है। अब आप सोच रहे होंगे पूरी इनकम कैसे हो सकती है, क्योंकि इसमें हमारी तो माल की लागत भी लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर माल की लागत लगी, ठीक है, लेकिन जो हम परचेज करते हैं तो उसको हम एक्सपेंसेज भी तो मना देते हैं पूरा पूरा, मतलब हम परचेज को एक्सपेंसेज मान लेते हैं और जो सेल हुआ उसको हम इनकम मान लेते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि सेल को हम परचेज से माइनस कर देंगे तब हमें वहाँ पर एग्जैक्ट हमारा प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ आ गई होगी। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा पैकिंग चार्ज जो है वो हमारी क्या होगी, इनडायरेक्ट इनकम होगी, इनडायरेक्ट इनकम होगी, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं, पैकिंग चार्ज यहाँ पर 2000 रुपये इनडायरेक्ट इनकम होगा और दो ही लेजर बनेंगे, बाकी यहाँ पर कुछ क्रिएट नहीं होगा। तो चलते हैं यहाँ पर इसकी एंट्री पास करते हैं, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर हमारा वाउचर होगा सेल्स और पार्टी नेम में यहाँ पर लेजर बनेगा किसका, पार्टी नेम में आएंगे पूजा इलेक्ट्रॉनिक जो कि न्यू दिल्ली के हैं, तो यहाँ पर इनका लेजर बनेगा। अंडर जाएंगे संडे डेबिटर और इनका GST नंबर हमें डालना है क्योंकि ये रेगुलर है, ठीक है। और एंटर करेंगे यहाँ पर, फाइनली इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम देखिए स्टेट चेंज करना फिर भूल गए, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्टेट यहाँ पर इनकी क्या है, दिल्ली है, स्टेट यहाँ पर दिल्ली है। और फाइनली अब यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और इसको कंट्रोल ये करेंगे, यहाँ पर भी दिल्ली ऑटोमेटिक आ चुका है और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सेल्स लेजर में यहाँ पर आपका क्या होगा, सेल्स लेजर में सेल्स ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेल करेंगे और यहाँ पर आपका होगा इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल कहाँ रहा, ये रहा, ठीक है। एंटर करेंगे, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, बस इसमें पैकिंग चार्ज जो है वो अलग से है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ आइटम हमारा कौन सा है, आटा चक्की, यहाँ पर हमने 5 बेची है 6800 की, ठीक है। तो यहाँ पर आटा चक्की हो गया, आटा चक्की यहाँ पर कितनी बेची हमने और रेट यहाँ पर 6800 है, एंटर करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर दूसरा आइटम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। LED लाइट यहाँ पर 10 बेची है 250 रुपये की है और इसमें देख लेते हैं डिस्काउंट वगैरह तो नहीं है, नहीं डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा आइटम हमारा है LED लाइट्स और गोडाउन निर्मल नगर, क्वांटिटी यहाँ पर 10 है और रेट कितना है देख लेते हैं। रेट है 250 रुपये जो कि यहाँ पर 225 आ रहा है, तो उसको हम सही कर लेंगे, 225 वो पुराना वाला आ रहा था, किसी को हमने 225 में बेचा होगा, इन्हें 250 में बेच रहे हैं, ठीक है। LED लैंप्स यहाँ पर 5 हैं 850 की, LED लैंप्स 10-1500 एंटर करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगला आइटम है लास्ट में आपका इलेक्ट्रिक कैटल 5-1700, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कैटल और यहाँ पर लोकेशन रहेगी आपकी निर्मल नगर और क्वांटिटी यहाँ पर रहेगी 5 और ये रहेगा 1700 और एंटर करेंगे। और यहाँ पर फाइनली लास्ट में हमें क्या करना है, पैकिंग चार्ज भी लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना। हमें क्या करना है, पैकिंग चार्ज लगाना है जो कि हम टैक्स के पहले लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पैकिंग चार्ज का भी लेजर बनाएंगे, पैकिंग चार्जेस इसको हम कॉपी करते हैं और लगेगा कहाँ पर, तो देखिए ये लास्ट में जहाँ पर हम टैक्स लगाते हैं यहीं पर हम लेजर बनाएंगे और पैकिंग चार्ज का लेजर रहेगा अंडर, ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम के अंडर, किसके जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। और यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड नो रहेगा, टाइप ऑफ लेजर यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल रहेगा, कॉस्ट सेंटर यहाँ पर नो रहेगा, GST यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल रहेगी, ध्यान रखना GST नॉट अप्लीकेबल रहेगी। बट यहाँ पर आपका इंक्लूडिंग इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, यहाँ पर हम GST को अप्लीकेबल रखेंगे, क्यों रखेंगे ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। पहले तो यहाँ पर हम GST को इसमें ऑन कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें अपोर्शन टू बताना है, अपोर्शन टू का मतलब कि गुड्स पर या फिर सर्विस पर या फिर बॉथ पर, ठीक है। तो अभी तो हम चाहें तो यहाँ पर बॉथ सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सर्विस तो हम सेल ही नहीं कर रहे, या फिर हम गुड्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर हम बॉथ सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ इन तीन ऑप्शन का, तो यहाँ पर जो पैकिंग चार्ज आपका 2000 रुपये है, ठीक है, जो हमारी की मतलब हमारी इनकम है, इस पर भी GST लगेगा, ध्यान से समझना, इस पर भी क्या लगेगा, GST लगेगा, ठीक है। अब यहां पर इसके ऊपर जो GST लगेगा, इस पर कोई फिक्स रेट नहीं है कि 18% लगेगा या 5% लगेगा, ठीक है, ध्यान से समझना, यहां पर इसका कोई फिक्स नहीं है। जो हम आटा चक्की या फिर जो LED लाइट्स वगैरह सेल कर रहे थे उस पर फिक्स था कि हाँ 18% लगेगा या 5% लगेगा, लेकिन यहां पर पैकिंग चार्ज पर फिक्स नहीं है। पैकिंग चार्ज डिपेंड करता है कि किस आइटम को हम पैक कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उसमें GST लगता है, ठीक है, उस पर भी गवर्नमेंट GST लेती है। तो यहां पर वो किस हिसाब से कैलकुलेट करती है, तो हमारे यहां पर जो आइटम है, यहां पर आप देख सकते हैं ये जितने भी आइटम है इसकी जो टोटल वैल्यू है, यानी कि बेस्ड ऑन वैल्यू, इसके हिसाब से जो है वो GST मतलब जो है कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो अभी इसमें हम अमाउंट डालेंगे 2000, यानी पैकिंग चार्ज हमने कितना लिया 2000, तो इस पर GST कैलकुलेट होगी। अब कितने परसेंट कैलकुलेट होगी, तो जो आइटम हमारे यहां पर इस इनवॉइस में अवेलेबल है इनका जो GST है, मतलब इस पर इसके ऊपर जो भी किसी पर 18% लगा, किसी पर 5% लगा, तो उसी का एवरेज निकाल करके GST
यहाँ पर जो है वो लगती है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, हम किसी वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप की एंट्री में प्रैक्टिकली आपको दिखा देंगे अलग अलग पैरामीटर्स पर। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर ये तीन ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ पर इनको जीएसटी बॉथ और बेस्ड ऑन वैल्यू सेट करना है। ठीक है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वैल्यू, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ये पैकिंग चार्ज अंडर इनडायरेक्ट इनकम का गया है। अब यहाँ पर रेट जो है, रेट को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, रेट यहाँ पर हम छोड़ देंगे, सीधे आएंगे अमाउंट में और यहाँ पर हम डालेंगे 2000 रुपये। ठीक है, सिर्फ हमें 2000 रुपये पैकिंग चार्ज लेना है टोटल अमाउंट में, लास्ट में यहाँ इधर आके डाल देंगे। ठीक है, कैसे आएंगे इधर, तो आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले रेट में आएगा, तो रेट को हम एंटर कर देंगे, मतलब रेट को स्किप कर देंगे और यहाँ पर 2000 रुपये हम डाल देंगे। ठीक है, 2000 रुपये और फिर यहाँ पर हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम लगाएंगे IGST, क्योंकि यहाँ पर हमारा IGST लगेगा। पूजा इलेक्ट्रॉनिक के न्यू दिल्ली के थे, यहाँ पर हमारा IGST भी कैलकुलेट हो गया। चलिए यहाँ पर टोटल चेक कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 1,74,315 रुपये और यहाँ पर हमारा आ रहा है 1,71,988 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 1,74,315 और यहाँ पर आ रहा है आपका 1,71,988। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ठीक है, अब ये गलत कैसे नहीं है, तो देखिए यहाँ पर ये जो टोटल लिखा हुआ है 1,71,988 रुपये, ये इसका टोटल है, इसमें पैकिंग चार्ज जो 2000 रुपये है वो इसमें जुड़ा नहीं है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे चलो जोड़ देते हैं, 1,71,988 में 2000 जोड़ देंगे तब भी तो यहाँ पर हमारा ये गलत आ रहा है इस हिसाब से, लेकिन नहीं। ठीक है, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम 2000 रुपये को सिर्फ इसमें नहीं जोड़ेंगे, बल्कि 2000 रुपये पर जो टैक्स लगा है GST, इसके ऊपर भी तो लगा है हमने बताया, तो यहाँ पर भी जो GST लगा है उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तब यहाँ पर हमारा टोटल जो है वो सही आ जाएगा, यानी 1,74,315 आएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर GST को जो पैकिंग चार्जेस को हम जीरो कर देते हैं, और जब जीरो करेंगे तो GST भी नहीं लगेगा। अब एंटर करते हैं तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,71,988 आ रहा और यहाँ पर भी 1,71,988 है। ठीक है, जो कि सही है, लेकिन जब यहाँ पर हम पैकिंग चार्ज 2000 रुपये डालते हैं, ठीक है, 2000 रुपये और एंटर करते हैं, तो यहाँ पर अमाउंट जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2000 रुपये पर कितने परसेंट GST लगा उसके लिए हमें यहाँ पर जितने भी आइटम हैं इनका GST जो है वो कैलकुलेट करना होगा और ये सारी कैलकुलेशन करनी होगी, तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली 2000 रुपये पर कितने परसेंट GST लगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये सही है, आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं डे बुक में। ठीक है, यहाँ पर नीचे हम डे बुक में बढ़ते हैं और इस एंट्री को देखते हैं, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा इलेक्ट्रॉनिक की यहाँ पर सेल्स वाउचर पर एंट्री है 1,74,315 रुपये की। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से सही है। चलिए वापस चलते हैं और यहाँ पर इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर इसको हम एंटर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, और यहाँ पर इस ऑप्शन को नो करेंगे और एंटर। यहाँ पर इसे हम करेंगे न्यू रेफर ट्रांजेक्शन, क्योंकि पहली बार एंट्री आ रही है, और फाइनली यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या है, टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर सेट टैक्स रेट, वेरीफाई इंटीग्रेटेड टैक्स अमाउंट इन द टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट इन, यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल के साथ में हमें आई बटन मोर डिटेल के लिए। ठीक है, अब ये क्या है, वार्निंग किस तरह की है, तो देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं। इसमें यहाँ पर जब हमने IGST का लेजर बनाया था तो इसमें हमने क्या किया था, राउंड कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर वापस चलते हैं और यहाँ पर IGST पे कंट्रोल एंटर करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी राउंडिंग लिमिट जो है ये 1 है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि राउंड हो गया हो, मतलब पॉइंट में आया हो, राउंड हो गया हो, उसकी वजह से टैक्स की जो रिपोर्ट है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रही है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसकी एग्जैक्टली यहाँ पर कितना टैक्स लगा है वो चेक करते हैं। उसके लिए यहीं पर हमें जाना है कहाँ पर, मोर डिटेल में। ठीक है, कहाँ जाना है, मोर डिटेल में, या फिर हम सीधे कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस कर सकते हैं, जो वहाँ पर बता रहा था। ठीक है, तो मोर डिटेल में जाएंगे और यहाँ पर हम GST में GST टैक्स एनालिसिस पे एंटर करेंगे। ठीक है, मोर डिटेल में जाने के बाद तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस एंट्री में कैसे कैसे इसमें टैक्स लगा हुआ है। आटा चक्की पर यहां पर लगा है 1,723 रुपए और इस तरह से यहां पर लगता चला गया फाइनली। ठीक है, और फाइनली यहां पर जो अमाउंट आ रहा है वो है 24,464 रुपए 52 पैसे। ध्यान देना, 24,464 रुपए 52 पैसे, और यह क्या हो गया, राउंड हो गया, जिसकी वजह से हो गया 24,465 रुपए, क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद 50 से ज्यादा है। क्लियर है, तो इस वजह से यहां पर जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है पॉइंट में, यहां पर पैसे की वजह से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद जब हम GSTR1 रिपोर्ट में पहुंचेंगे तो वहां से इसको सही कर लेंगे। ठीक है, वेरीफाई कर देंगे। क्लियर है, तो अभी यहां पर इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वार्निंग थी, एक्सेप्ट हो जाएगा, जब एरर होती है तब एक्सेप्ट नहीं होता है। क्लियर है, तो यहां पर इस एंट्री को हमने कंप्लीट कर दिया, तो यहां पर हमारा ये भी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, तो एक काम करते हैं कि आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 42 से हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।